हेलो, जय माता दी। और आप लोगों का हमारे चैनल में वेलकम। और कहो कैसे हो। तो ये शाम का टाइम है और हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लड़की की तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने वीडियो नहीं शूट किया था। और उसको फीवर आ रहा है तो इस वजह से हमने बनाया था सुबह छोले, लेकिन उसका भी वीडियो नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और फिर घर पे कोई है नहीं तो बच्चा घर में बीमार होता तो उसको लेकर भी जाना पड़ता है। गए थे दवा लेने के लिए और तो इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। और ये मेरा शायद ये हम सोमवार है तो ये मेरा वीडियो है मंडे का, और ये हमने मंडे को ही शूट किया था। और देखो शायद कल जाए तो ये वीडियो हमारा, कल शायद हम एडिटिंग करें और हम जा रहे हैं पूरी बनाने। तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर ही कर देते हैं और थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। और हम हैं अपने किचन में आ गए हैं तो अब चलो निकाल लेंगे पूरी, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे क्योंकि छोला तो हमने बना ही लिया था तो थोड़ा सा सूट कर लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं पूड़ियाँ। तो हमने एक साइड ये दूध रख दिया और एक साइड हमने ऑयल चढ़ा दिया है पूड़ियों के लिए। और तो अब हम निकाल लेंगे पूड़ियाँ और एक साइड दूध हमारा हो रहा है, बना लेते हैं। और इस समय बहुत ही बीमारी चल रही है तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। तो ये हमारा दूध पक चुका है और इसको बंद कर देते हैं। और अब हम डाल देते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा डाल देते हैं। और इस समय बीमारी बहुत चल रही है क्योंकि, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि मेरी बेटी को तो जुकाम और फीवर ही आ रहा है। तो ये हम जो ऑयल डाल रखे हैं ये हमारा सरसों का ही तेल है। ये हमारा कि मुझे बहुत कम खुशबू अच्छी लगती है रिफाइंड की, तो मैं रिफाइंड बहुत कम ही खाती हूँ। और ये हमारी कढ़ाई बहुत छोटी है तो गुनगुन को दे देते हैं खाने के लिए। पूरी डाल रहे हैं इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। और इस समय मौसम चेंज हुआ है क्योंकि दोपहर में गर्मी रहती है और शाम को ठंडा मौसम, शाम को थोड़ा सा और सुबह बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। इस वजह से और ज़्यादा बीमारियाँ हैं, सर्दी और जुकाम बस यही चल रहा है, फीवर आने लगता है। तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। तो ये हम गुनगुन को दे देते हैं खाने के लिए छोला और पूड़ी, क्योंकि नहीं फिर सो जाते हैं बच्चे तो फिर खाना नहीं खाते हैं। गुनगुन तो हमारी बिल्कुल नहीं खाती हैं, तो चलो दे देते हैं। और आइए आप लोग भी खा लीजिए आ करके छोला पूड़ी। समय शाम का टाइम है और ये हमारा आज ही का वीडियो है। और जो छोला पूड़ी का था तो वो मंडे का था, कल का यानी था। तो और ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं सही, इस वजह से ज़्यादा नहीं शूट कर पाए थे। तो जो कुछ कल का था वही हमने आज, हमने सोचा चलो आज वीडियो ही डाल देते हैं क्योंकि मैं एक दिन छोड़कर ही वीडियो डालती हूँ। तो इस वजह से हमने सोचा चलो वीडियो डाल देते हैं क्योंकि हमारी गुनगुन की भी तबीयत नहीं सही है और बड़ी वाली बेटी की भी तबीयत नहीं सही है, तो बच्चों को भी लेकर जाना पड़ता है दवा वगैरह लेने के लिए। और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कोरोना के बारे में तो बहुत ही हालात बिगड़ रहे हैं और अब बहुत ही टेंशन होती है क्योंकि इतना कोरोना फैल रहा है। तो हमारे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, वो आने के लिए बोल रहे थे लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि सुनकर ही बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, चिंता की बात हो रही है। तो क्या किया जाए, हाथ में तो है नहीं, जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है, जो ही ईश्वर रचेगा वही होगा।
और हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। और अपना भी ख्याल रखिए और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। तो बच्चों की वजह से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जब तबीयत नहीं ठीक होती तो उनको लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो का अब हम एंड करते हैं। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वैसा ही कमेंट में बताना, और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा देना, ताकि तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ हमारी भी थोड़ा हेल्प कीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यूज अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो और सब्सक्राइबर तो घट ही रहे हैं और व्यूज भी नहीं ठीक ठाक बनते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा हमारी भी हेल्प कीजिए, और आप लोगों की ही सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या सभी लोग यूट्यूब पे नहीं एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कर सकते हैं? तो प्लीज़ आप लोग सब लोग सपोर्ट करना, और मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करूँगी। अगर मैं वीडियो इस समय नहीं देख पा रही हूँ तो मैं आगे पीछे सभी का वीडियो ही सब दिखा रहे हैं कोरोना का ही। तो अब इस वीडियो का एंड करते हैं, और गुड नाइट, बाय बाय।